भ्राता, प्रत्येक दिव्य घटना का समय निर्धारित है। कुछ ही समय में ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु विश्वनाथ के प्रथम दर्शन के लिए माता पुनः प्रकट होंगी। कदाचित तब वो हमें अपना आशीष देंगी। आसमान रखिए, जब कोई कार्य पूर्ण विश्वास और अपनी सफलता पर बिना संदेह किया जाता है, वो पूर्ण होकर ही रहता है। यदि यहाँ आपके लिए सब कुछ कुशल रहा तो शीघ्र आपको देवी मणिकर्णिका के दर्शन होंगे। मुझे इसका कारण ज्ञात हो चुका है गणेश। कदाचित प्रभु काल भैरव ने जो कहा था वो एक परीक्षा थी। उन्होंने कहा था कि यदि सब कुछ उचित प्रकार से हुआ तो माँ हमें दर्शन देंगी, और उनके ऐसा कहने से मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया था, और कदाचित इसी कारण से अब तक हमें माँ के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। किंतु अब मैं प्रभु विश्वनाथ के कहे अनुसार संपूर्ण निष्ठा के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ कार्य करूंगा, तब माँ हमें अवश्य अपना आशीष और दर्शन प्रदान करेंगी। कृपा कर, अब तो हमें दर्शन प्रदान करेंगी ना? अवश्य देंगी देवराज, तनिक भी संदेह अपने मन में मत लाइए। संपूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ प्रार्थना कीजिए, माता फल अवश्य देंगी। ओम मणिकर्णिकाय नमः। ॐ मम मणिकर्णिकाय नमः। ॐ मम मणिकर्णिकाय नमः। ॐ मम मणिकर्णिकाय नमः। प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। माता, हमें दर्शन प्रदान करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र, तुमने प्रभु की आरती की, कुंड में भक्ति पूर्ण स्नान तथा मंत्रों का जाप किया जो करोड़ों पुण्य के समान है। मैं तो मात्र प्रभु की अनुमति की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि ये उनकी इच्छा थी कि तुम्हारे मन में पूर्ण विश्वास जागृत होने पर ही मैं तुम्हें दर्शन दूं। भ्राता, माँ मणिकर्णिका का आशीष आध्यात्मिक और वैवाहिक जीवन दोनों में विकास का कारण बनता है, इसलिए आप शीघ्रता कीजिए। हे माता, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपनी इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं, अधर्मियों का विनाश कर धर्म की स्थापना करने में कृपा कर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, तुम्हारी वास्तविक यात्रा तो अब यहीं से आरंभ होगी। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। और जिस प्रकार काशी में प्रभु विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दिव्य तेज पुंज के कारण अग्नि, जल, वायु, धरती और आकाश ये सभी पंचभूत तत्व महान संतुलन में हैं, उसी प्रकार जब अपनी यात्रा की अवधि में तुम प्रभु के पंचभूत लिंगों का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तभी तुम अपने भीतर के पंचभूत की शक्तियों को जागृत और संतुलित कर पाओगे। पुत्र, मेरे देवी मणिकर्णिका स्वरूप से तुम्हें वो प्राप्त होगा जिससे तुम पशुपतास्त्र प्राप्त कर सकोगे। पुत्र, जब तुम पंचभूत शिवलिंगों को ढूंढकर
सभी तत्वों की ऊर्जा प्राप्त करोगे, तब उनकी ऊर्जा चक्र भिन्न रंगों में इस कड़े के भाग बनेंगे और तब तुम्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम सुरा पद्मन का वध कर सकोगे। यात्रा के दूसरे पड़ाव और इस कथा से हमें यहाँ विवाह से संबंधित दूसरी सीख भी मिली कि संबंध में विश्वास और समर्पण से अधिक पवित्र कुछ नहीं होता। जिस प्रकार माता मणिकर्णिका प्रभु के दर्शन के लिए निरंतर प्रतीक्षा करती हैं और प्रभु महादेव बिना भूले अविलंब माता को दर्शन देते हैं, यही समर्पण और विश्वास का भाव विवाह में एक दूसरे को शक्ति देता है कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक करने का। जैसे प्रभु और माता दोनों मिलकर आत्माओं को मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने का कार्य करते हैं, वैसे ही एक दंपत्ति एक उद्देश्य के प्रति समर्पित रहकर कार्य करे तो उसे प्रगति एवं समृद्धि प्राप्त होती है और असंभव भी संभव हो जाता है। कदाचित तुम उचित कह रहे हो अनुज। प्रतीत होता है विवाह के विषय में भ्राता का विचार धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। कहीं ऊपर से गिर गए तो अरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नीचे आ जाइए नीचे। तो यह कड़ा था इस विलंब का कारण। और ध्यान से देखना होगा। चेतावनी दी थी ना उन्होंने, फिर भी नहीं रुके आप। इतनी अपार शक्ति ये भला किसकी हो सकती है? इसके हाथों में जो भी था उसे प्राप्त करना ही है मुझे। अब सर्वप्रथम मुझे पंचभूत शिवलिंग ढूंढने होंगे, तभी यहाँ से आगे की यात्रा पर आगे बढ़ सकूंगा। भ्राता के साथ मुझे भी पंचभूत शिवलिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और भ्राता को विवाह के लिए मनाने का एक और अवसर भी मिल जाएगा। मुझे अब आशा की किरण दिखाई दे रही है। माता का आशीष मेरे लिए सफलता का द्वार है। भाखन, संकट बनेगा, कंटक बनेगा हमारे लिए जो इसने प्राप्त किया है। ये कैसा प्रकाश है जो जो मेरे लिए भी असह्य है। का प्रकाश बाण 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 स्वप्न हो या प्रत्यक्ष मिटा दूंगा अपने शत्रु को मैं। आह बहन का दुख भी विचलित नहीं करता इन्हें। प्रतिशोध के स्थान पर निद्रा सुख में लीन है, कैसे भ्राता है ये? बहन नहीं भाई का संक्रमण है। शत्रु के समान ये मेरे दंड की भागी ही है। आज का दिवस इस भीरू की मृत्यु से ही प्रारंभ होगा। आओ भीतर आओ। Thank you.
मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए, अन्यथा मुझे ही मुक्ति दे दीजिए। ये सहायता के ही योग्य है, किंतु इसे कष्ट से नहीं, इसे ही मुक्ति दीजिए, अन्यथा ये मेरे शत्रु उस कार्तिकेय की प्रशंसा करके भय का साम्राज्य फैलाएगी और अपने ही भ्राताओं को भयभीत करेगी। पद्मन को मूर्ख समझने की भूल मत करो मूर्ख नारी। अब कैसे विश्वास दिलाओ, आपके लिए ही शची का अपहरण करने गई थी, ये शत विशत हाथ उसी का प्रमाण है। तुम्हारा हाथ विलग नहीं हुआ है, तुम्हारे कारण संपूर्ण असुर जाति का सम्मान विलग हुआ है, मूर्ख अबला नारी। बस भूलो मत कि एक नारी ने ही तुम जैसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म दिया है, इसीलिए एक नारी को अबला समझने की भूल कभी मत करना। और तुम्हें भी स्मरण रहे, कभी भी मेरे पुत्र और असुरों के सम्राट सुरा पद्मन से बिना पूछे कहीं जाने का विचार भी मत करना। धन्यवाद, सुनना नहीं भाता मुझे, अब जाओ यहां से। सुरा पद्मन, असुरों के सम्राट, अजामुखी क्या किसी भी नारी के शब्दों से भयभीत नहीं हो सकता? वो भय जो तुम्हारे मन में समाया है, तुम्हारे मन की ही उपज है। मेरे मन की उपज? अपनी शक्ति, अपनी सेना में वृद्धि करो और उस भय पर विजय पाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें पराजित कर दे। शीघ्र ही पंचभूतों को क्रियान्वित कर पशुपतास्त्र को प्राप्त कर मैं उस दुष्ट असुर का सामना करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे इसी क्षण जाना चाहिए। चलिए देवगण। गणे, तुम यहां से और आगे नहीं जा सकते। काशी एक तीर्थ स्थल है, इसीलिए यहां तक आने से मैंने तुम्हें मना नहीं किया, किंतु अब यहां से आगे मेरी यात्रा का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें किसी भी कारण का भटकाव मेरी एकाग्रता के लिए उचित नहीं, और क्योंकि तुम किसी छिपे कारण से मेरे साथ हो, इसीलिए तुम यहां से आगे हमारे साथ नहीं आ सकते। किंतु भ्राता, पंचभूत शिवलिंगों को पहचानने में मैं आपका सहायक बन सकता हूँ। संसार में अनेकों शिवलिंगों में से ये पांच ही ऐसे हैं जिनमें पांचों पंचभूत तत्वों का अद्भुत समन्वय है। तो जब तक तुम अपने भीतर छिपाए उस उद्देश्य को उजागर नहीं कर देते, तब तक मैं स्वयं ही उन पंचभूत शिवलिंगों को ढूंढकर पहचानूं। चलिए। भ्राता, मुझे आपसे कुछ नहीं छिपाना है, सब कुछ बताना है, किंतु धीरे धीरे, अन्यथा सब कुछ समझे और जाने बिना आप विवाह के लिए मना कर देंगे। कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो, देवता जो ठहरे, हमें कहा था तुमने कि हमारी सहायता करोगे और वहाँ उसके साथ थे। नहीं नहीं भाखन, वहाँ तो मैं अनुज होने का कर्तव्य निभा रहा था और यहाँ देवता होने का। तुमने प्रार्थना की है तो मुझे भी तो कुछ करना होगा ना? हाँ, अवश्य अवश्य प्रभु। हाँ, करना तो चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो प्रमाणित कीजिए उनकी यात्रा का आशय हम पर उजागर करके, हमारी सहायता करने आए हैं। और हाँ, ये भी बताइए कि कुमार कार्तिकेय के हाथ में वो कड़ा कैसा था।
इसे उस दिव्य कड़े का महत्व बता ही देता हूँ, जिससे वो शक्ति संपन्न दिव्य कड़ा पाने के लिए मेरे द्वारा भ्राता को पंचभूत शिव धामों में स्थित लिंगों तक पहुँचाने में ये मेरा सहायक बन जाए, जिनमें प्रथम है श्रीकाल हस्ती। वाह वाह, आपने तो वो प्रश्न पूछ लिया प्रभु से जिसका सर्वाधिक महत्व है, जो सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब वो रहस्य खोलना होगा इन्हें। इन्होंने ही सहायता करने का वचन दिया था ना? तो सुनिए भाखन जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के संपूर्ण जीवन का एक ही उद्देश्य है, दक्षिण में धर्म की स्थापना, जिसके लिए उन्हें दुष्ट असुर सम्राट सुरा पद्मन का वध करना होगा। असुर सम्राट का वध? सफलता पूर्वक इस यात्रा को संपन्न करने पर उन्हें वो अजेय अस्त्र मिलेगा जिससे वो उस अति शक्तिशाली, अति संकटकारी, अति भयंकर अत्याचारी सुरा पद्मन का वध करेंगे। असुर सम्राट का वध कैसे कैसे करेंगे तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता? वो ऐसे होगा भाखन कि जो कड़ा उन्हें काशी में मिला उसे वो विशिष्ट शक्तियों के साथ पूर्ण करेंगे। इतना शक्तिशाली कड़ा, तब सर्वप्रथम इस कड़े पर ही अपना अधिकार स्थापित करूंगा मैं। प्रभु, अब हमें यहां से किस दिशा में आगे बढ़ना है? कदाचित ये मेरी ही प्रतीक्षा में है। भाखन, अब आपका एक शब्द सुनेगा न रुकेगा। रुको! भाखन, अब आपका एक शब्द सुनेगा न रुकेगा। जाओ प्राप्त कर लो उस कड़े को, किंतु अधूरे कड़े को सुरा पद्मन तक पहुंचाकर क्या लाभ होगा? अधूरा कड़ा? अधूरा। पहले उस कड़े को पूर्ण तो होने दो, उसमें ब्रह्मांड के सभी पंचभूतों की शक्तियां समाहित होंगी और वो महान पाशुपतास्त्र को जागृत करने में समर्थ होगा। ये बात समझो, क्योंकि जिसके नियंत्रण में पाशुपतास्त्र रहेगा विजय उसी की होगी। कार्तिकेय की सभी सूचनाओं के साथ यदि मैं असुर सम्राट सुरा पद्मन को यह कड़ा भी दे दूं तो वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। और ये कड़ा तभी पूर्ण होगा जब इसे धारण करने वाला पंचभूत शिवलिंग धामों की यात्रा पूर्ण करेगा। देवराज, वीरबाहु, आप में से किसी को तो पंचभूत शिवलिंग धामों का ज्ञान होगा। कुमार कार्तिकेय, यदि हमने उनके दर्शन किए भी हो तब भी हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि इस संसार में कोई भी शिवलिंग पंचभूत शिवलिंग के नाम से विख्यात नहीं है। हाँ, कदाचित इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है, आपके द्वारा इस समस्त जगत के समक्ष पंचभूत शिवलिंग भी आ जाएंगे। पंचभूत शिवलिंग? ये क्या होती है? क्या होता है पंचभूत शिवलिंग? दिखने में तो साधारण शिवलिंग के समान ही होते हैं, परंतु उनमें असाधारण शक्तियाँ होती है। उनके दर्शन बहुतों ने किए हैं, उनकी कथाएं भी बहुतों ने सुनी हैं, किंतु बहुत कम ऐसे हैं जिन्हें पता है कि कौन सा शिवलिंग किस पंचभूत तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किंतु किसी को तो उनका ज्ञान होगा। पंचभूतों में अग्नि, जल, वायु को लेकर अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव अवश्य कोई संकेत दे पाते, किंतु दुर्भाग्यवश उस
दुष्ट सुरापद ने उनका हरण कर लिया है। तो अब ऐसा कौन है जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? वो जो सबका मार्गदर्शन करते हैं। जब भक्ति के साथ पूर्ण निष्ठा और विश्वास जुड़ जाता है तब उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।